Welcome you all on my channel. My channel Divine Souls talk about the solution of your life. आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते. कमेंट सेक्शन में आत्मा नमस्ते जरूर लिखिएगा. मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके राशिफल में. आइए जानते हैं कि आपके लिए 5 जुलाई 2022 मंगलवार का दिन कैसा रहेगा. साथ में जिनका भी आज जन्मदिन है, मैं टैरो रीडिंग के माध्यम से बताऊंगी कि आज के दिन आपके साथ क्या अलग होगा. आखिरी में हम जानेंगे कि आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आप क्या खास उपाय करें. सबसे पहले जिनका भी जन्मदिन 5 जुलाई को है, उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं. हैप्पी बर्थडे टू यू. आइए देखते हैं कि टैरो कार्ड आज आपके लिए क्या खास लेकर आए हैं. तो जो ओवरऑल एनर्जीज हैं आज आपके साथ, आपकी इंट्यूशन पावर आपके लिए बहुत ज़बरदस्त काम करने वाली हैं. आज आपके लिए एक नया बर्थ होगा आपके इमोशंस को लेके, इवन आपके प्यार को लेकर. आज आप अपने बर्थडे वाले दिन किसी एनजीओ में जाके या फिर किसी चिशायर होम में जाके आप चैरिटी कर सकते हैं. आज आप किसी भी एनजीओ में जाकर अपना समय जो है उन बच्चों के साथ स्पेंड करेंगे. देखते हैं कि ओवरऑल और टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या बोल रहे हैं. आज आप में से कोई जो है एक रोमांटिक डेट भी प्लान आपके लिए हो रही है. आप और आपका लाइफ पार्टनर या आपका लवर जो है वो आपके लिए रोमांटिक डेट प्लान कर रहे हैं. आप एक रोमांटिक डेट के लिए जा सकते हैं. आज आपको फ्लावर्स बहुत सारे मिलने वाले हैं, गिफ्ट्स भी मिलने वाले हैं. आज आपको सब बहुत पैम्पर करने वाले हैं. आप अपने फैमिली के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने पार्टनर के साथ आप अपना बर्थडे जो है वो कहीं बाहर जाके एक दो दिन की वेकेशन पे जाके भी सेलिब्रेट कर सकते हैं या अपनी सिटी से थोड़ा सा दूर जाके भी सेलिब्रेट कर सकते हैं. देखते हैं कि आपको एंजल्स जो हैं वो क्या ब्लेसिंग्स देने वाली हैं. आज आप बहुत ज़्यादा काम फील करेंगे, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे. आज आपका जो दिन है ना वो बहुत ज़्यादा इमोशंस, प्यार भरे इमोशंस के साथ बीतने वाला है. आज ओवरऑल आपके दिन में बहुत ज़्यादा आपको प्यार महसूस होगा. आप जानते हैं आपके लिए क्या खास उपाय है जो आपके जन्मदिन पे आपको ढेर सारी खुशियाँ देगा. आज आपको हनुमान जी को ब्राउन वाला नारियल, पानी का गोला आपको हनुमान जी को चढ़ाना है और साथ में आपको हनुमान जी को लाल फूल की माला पहनानी है. एक बारी फिर से मेरी ओर से आपको आपके जन्मदिन पे ढेर सारी शुभकामनाएं. अब बात करते हैं कि 12 जोडियक साइन के लिए आज के राशिफल में क्या खास है. शुरुआत करते हैं एरीज, मेष राशि वालों के लिए. अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं, आपको बहुत दिनों से शत्रु परेशान कर रहे हैं, तो आज आपके शत्रु जो हैं आपसे दूर होंगे. आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं. आज आपका जॉब रिलेटेड ट्रैवल होने वाला है जिसमें आपको फ़ायदा भी मिलेगा. हाउस या फिर प्रॉपर्टी के लिए आज आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. आज आपकी गवर्नमेंट जॉब भी लग सकती है. बात करते हैं टॉरस, वृषभ राशि वालों के लिए. आज बच्चों के लिए आप थोड़ी सी चिंता में रहेंगे. बच्चों की हेल्थ का भी आज आप ध्यान रखिएगा. आज आपको स्टमक पेन रिलेटेड या फिर स्टमक इश्यूज भी हो सकते हैं. आज आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं. व्हीकल और प्रॉपर्टी में भी आज आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. बात करते हैं जेमिनी, मिथुन राशि वालों के लिए. आज आपके सुख में थोड़ी सी आपको कमी महसूस होगी. आपका मन थोड़ा सा दुखी रहने वाला है. कुछ ऐसा आप प्लान कर रहे थे जो पूरा नहीं होगा, उससे भी दुखी आज आपका मन रह सकता है. आज आपको अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है. थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट से दूर रहिएगा, नहीं तो फैमिली में थोड़ी सी नोकझोंक हो सकती है. आज आपको हेडेक या माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है. छोटे भाई बहनों से आज आपको सपोर्ट मिलेगा. बात करते हैं कैंसर, कर्क राशि वालों के लिए. आज आप अगर छोटी मोटी यात्रा कर रहे हैं तो आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी. आज आपका फॉरेन ट्रैवल का भी प्लान बन सकता है. बेफिजूल खर्ची से आज आपको बचना है क्योंकि आज थोड़ा सा आपको मेंटल स्ट्रेस भी रहेगा. साथ में आज चांसेस हैं कि आपकी
आपकी बहन के साथ या फिर आपके फ्रेंड्स के साथ थोड़ी से मनमुटाव या नोकझोंक हो जाए। बात करते हैं लियो, सिंह राशि वालों के लिए। आज थोड़ा सा घर में लड़ाई झगड़े का माहौल रहने वाला है, थोड़ा सा टेंशन भरा माहौल जो है आपके घर में रहने वाला है। कुछ आई रिलेटेड प्रॉब्लम भी आज आपको हो सकती है, आई इन्फेक्शन हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस भी आज आपको हो सकता है, स्ट्रेस एंड हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी आज आपको देखने को मिल सकते हैं। आज के दिन आप फिजूल खर्ची करने से बचें। एनजीओ और सोसाइटी के लिए आज आप कोई चैरिटी वर्क कर सकते हैं। बात करते हैं वर्गों, कन्या राशि वालों के लिए। आज आप खुश रहने वाले हैं, फाइनेंशियल गेन होंगे आज आपको। आज आपकी जॉब में, सैलरी में आपको पे हाइक भी मिलने वाली है, बिजनेस में आपको कुछ प्रॉफिट हो सकता है। फ्रेंड्स के साथ आज आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे, उनके साथ घूमने फिरने का भी प्रोग्राम आप बना सकते हैं। आज आपकी गवर्नमेंट जॉब भी लगने की चांसेस है, गवर्नमेंट से भी आपको सपोर्ट मिलेगा, लीगल मैटर्स से भी आज आपको सपोर्ट मिलेगा। आज आपको आपके बॉस से सपोर्ट मिलेगा और आपको आपके काम का रिकॉग्निशन भी मिलेगा। बात करते हैं लिब्रा, तुला राशि वालों के लिए। आज थोड़ा सा आप एंजाइटी में रहेंगे, थोड़ा सा फियर में रहेंगे, थोड़ा सा आपको डर लगने वाला है कि कहीं आपका कोई ऐसा राज किसी के सामने ना आ जाए। आज आपका मन जो है वो बेचैन रहने वाला है। आज आप खर्चे करने से बचें, बिजनेस में भी आज आपके खर्चे हो सकते हैं, बिजनेस में आज आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं या डाल सकते हैं। बिजनेस में आज आपको कोई सडन न्यूज़ मिल सकती है कि कहीं आपका पैसा कहीं रुक गया है या किसी ने आपका पैसा जो है मार लिया है। बिजनेस ट्रैवल भी आज आपका प्लान हो सकता है। फादर की हेल्प या सपोर्ट आप आज आपको देखने को मिलेगी। बात करते हैं स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वालों के लिए। आज आपको आपकी सैलरी में हाइक मिल सकता है, बिजनेस में प्रॉफिट मिलेगा, सोसाइटी में आज आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, फादर से आज आपको गेन मिलेगा, एक्स्ट्रा खर्चे भी होंगे साथ में आपके, फ्रेंड्स पे भी खर्चा कर सकते हैं आप या आपके फ्रेंड्स जो हैं आपसे आज के दिन उधार मांग सकते हैं। बात करते हैं सेगिटेरियस, धनु राशि वालों के लिए। आज आपको आपके बिजनेस में प्रॉफिट देखने को मिलेगा, जॉब प्रमोशन भी हो सकती है, बॉस विल अप्रिशिएट योर वर्क। आज आप बॉस के सामने तारीफ सुनने के लिए बस खड़े रहेंगे। आज आप कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं, अगर आप कुछ सोच रहे हैं नया काम शुरू करने के लिए तो आज का दिन शुभ है। फादर का बिजनेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं आज के दिन, या फिर फादर के साथ आज आप पार्टनरशिप में भी काम कर सकते हैं। फादर से आज के दिन आपको सपोर्ट मिलेगा और हेल्प मिलेगी, गवर्नमेंट से आज आपको रिकॉग्निशन मिल सकती है, ट्रैवलिंग के भी प्लान आज आपके बन सकते हैं जो कि सक्सेस रहेंगे। बात करते हैं कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों के लिए। फादर के साथ आज डिस्प्यूट करने से बचें या कोई भी बात पे उनके साथ डिसएग्रीमेंट करने से बचें, क्योंकि नोकझोंक होने के चांसेस हैं। आज आपकी लोअर बॉडी में थोड़ा सा आपको पेन जो है फील हो सकता है, थकावट जो है फील हो सकती है। आज आपका जो मन है ना वो धार्मिक कामों में ज़्यादा लगने वाला है। हो सकता है आज के दिन आप किसी तीर्थ यात्रा पे या किसी मंदिर में दर्शन करने जाएं। हो सकता है कि आज आप धार्मिक कामों से रिलेटेड चैरिटी करें या कुछ दान करें। बात करते हैं एक्वेरियस, कुंभ राशि वालों के लिए। आज थोड़ा सा आपको एंजाइटी या डिप्रेशन देखने को मिलेगा। आज आपको आर्ग्यूमेंट से बचने की ज़रूरत है, किसी के मामलों में आज आप टांग नहीं अड़ाइएगा। हेल्थ का आज आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आज आप रैश या फिर केयरलेस ड्राइविंग करने से बचें। स्टॉक मार्केट में आज आप इन्वेस्ट नहीं करें, आज का दिन आपके लिए ठीक नहीं है। बात करते हैं पाइसेस, मीन राशि वालों के लिए। आज आपका स्पाउस के साथ अच्छा टाइम बीतने वाला है। अगर स्पाउस के साथ पिछले दिनों में कुछ अनबन चल रही थी तो आज के दिन वो रिजॉल्व होगी। आज आपको फॉरेन डील से भी प्रॉफिट मिलेगा। सोशल लाइफ को आज आप इंजॉय करने वाले हैं, लार्ज गैदरिंग में आज कहीं आप जाने वाले हैं। मदर की हेल्थ का थोड़ा सा आज के दिन आप ध्यान रखिएगा। सीनियर्स के साथ आज आप कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करिएगा अपने ऑफिस में या फिर अपने बिजनेस में। तो हमने ये बात करी 12 राशियों के बारे में कि आज के दिन आज आपका राशिफल कैसा रहेगा। आइए अब जानते हैं आज के खास उपाय जिससे आपका दिन शुभ होएगा। आज आप अपने दिन की शुरुआत एक चम्मच शहद खाकर करिएगा।
मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो में. टिल देन खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं ही फैलाते रहें. जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोर्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियोस समय समय पर मिलती रहे. माय नेम इज मेघा गोयल. आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, वास्तु एंड फेंगशुई एक्सपर्ट, टैरो कार्ड रीडर, साइकिक हीलर एंड अ लाइफ कोच. एंजल्स लव फॉर एवरीवन. आत्मा नमस्ते.